डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सीएल वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। आज अपन ब्रेंकियोस्ट्रोमा में डाइजेशन पढ़ने जा रहे हैं। ब्रेंकियोस्ट्रोमा के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका पहला जो पार्ट बनाया था अपन ने, उसमें केवल एलिमेंट्री कैनाल की संरचना बताई थी, और इसका दूसरा पार्ट है जिसके अंदर अपन डाइजेशन की फिजियोलॉजी या डाइजेशन का जो प्रोसेस है उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसमें आती है डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड, और यहां पर जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो है मिडगट डाइवर्टिकुलम। मिडगट डाइवर्टिकुलम, और इसके अलावा है मिड गट की ग्लैंड सेल्स। मिड गट ग्लैंड सेल्स, तो यहां पर जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो क्या है, मिड गट डाइवर्टिकुलम, और इसके अलावा मिड गट की मेक के अंदर जो ग्लैंड सेल्स होती है वो भी डाइजेस्टिव एंजाइम है वो सिक्रेट करते हैं। यहां अपन डायग्राम में देखिए, सबसे पहले एक बार इसको रिपीट कर देता हूं, ये रोस्ट्रम है, इसके नीचे ये ओरल हुड है, ये वाला वेस्टिब्यूल है, वेस्टिब्यूल के अंदर ये वही ऑर्गन दिखा रखे हैं, उसके बाद में विलम का पार्ट आता है, विलम में वेलार टेंटिकल्स दिखाए, ये एंटेरोस्ट्रोम है, ये पूरी की पूरी फेरिक्स का पार्ट है, ये एंडोस्टाइल है, ये पेरिफेरेंजियल बेंड है, और ये एपीफेरेंजियल ग्रो है, उसके बाद में ये इंटेस्टाइन का जो पोर्शन है यहाँ पर ये इसोफेगस दिखा रखा है, इसके बाद में ये मिडगट डाइवर्टिकुलम है, ये मिडगट का पोर्शन, फिर हाइंडगट का, फिर रेक्टम का, और लास्ट में एनस आता है। ये सारी की सारी चीजों का अध्ययन अपन इसकी एलिमेंट्री कैनाल की संरचना में कर चुके हैं। यहां पर जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो कौन सी है, मिडगट डाइवर्टिकुलम, और ये वाली मिडगट डाइवर्टिकुलम है। ये मिडगट डाइवर्टिकुलम कहां पर होती है, इसोफेगस और मिडगट के बीच में होती है, मिडगट डाइवर्टिकुलम, और ये एक तरीके से लीवर का काम भी करती है और डाइजेस्टिव ग्लैंड का काम करती है। यहां पे इस मिडगट डाइवर्टिकुलम के अंदर बहुत सारे सीलिएटेड एपिथीलियम पाई जाती है, सीलिएटेड एपिथीलियम होती है यहां पे, और इस मिडगट डाइवर्टिकुलम के अंदर जाइमोजन सेल होती है, जाइमोजन सेल्स, और वो जाइमोजन सेल्स है वो तीन प्रकार के एंजाइम का स्राव करती है, एमाइलेज, प्रोटीएज और लाइपेज। ये तीन प्रकार के एंजाइम का स्राव करती है जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट का पाचन करते हैं। इसके अलावा यहां पर डाइजेस्टिव ग्लैंड के अलावा पाचक एंजाइम मिडगट ग्लैंड सेल्स के द्वारा भी किए जाते हैं, क्योंकि इसकी मिडगट के अंदर क्या पाए जाते हैं, कुछ ग्लैंड सेल्स पाई जाती है जो कि पाचक एंजाइमों का स्राव करती है। इसके बाद में अपन लेते हैं, ये हो गया डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड के बाद में यहां पर देखते हैं फूड। अब यहां पर इसका ब्रेंकियोस्ट्रोमा का फूड क्या होता है, प्रोटोजोअन्स, एल्गी, डायटम, डायटम्स, डेसमिड्स, ये इनका भोजन होता है, और ये अपने आप में क्या होता है, फिल्टर फीडर होता है, फिल्टर फीडर या सीलियरी फीडर जंतु होता है, फिल्टर फीडर या सीलियरी फीडर जंतु होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन इंजेशन, भोजन का अंतर्ग्रहण कैसे होगा। देखिए, अपन ने पहले संरचना में बता चुका था कि यहां पर सबसे आगे इसके क्या पाया जाता है, ओरल हुड। इस ओरल हुड के बाहर क्या पाए जाते हैं, खूब सारे बकल सिराई पाए जाते हैं, तो यहां से पानी की धारा अंदर प्रवेश करती है। अब पानी की धारा अंदर प्रवेश क्यों करेगी, क्योंकि फेरिक्स का जो पार्ट अपन ने बताया था उसमें खूब सारे गिल्स बार होते हैं, सेकेंडरी गिल्स बार और प्राइमरी गिल्स बार, और उन गिल्स बार के अंदर जो गिल्स बार है वो सीलिएटेड एपिथीलियम के द्वारा आश्रित होती है, और उस सीलिएटेड एपिथीलियम में लेटरल सीलिया और फ्रंटल सीलिया पाए जाते हैं। उन लेटरल फ्रंटल सीलिया के मूवमेंट के द्वारा एक वैक्यूम बनता है, उस वैक्यूम के द्वारा पानी की धारा अंदर प्रवेश करती है। इस पानी की धारा जब अंदर प्रवेश करती है उसमें
जो वेलार टेंटेकल्स है वो भी इसके अंदर हेल्प करते हैं, वेलार टेंटेकल्स भी इसके अंदर पूरी हेल्प करते हैं। तो ये पानी की धारा अंदर प्रवेश करती है। जब पानी की धारा अंदर प्रवेश करती है तो सबसे पहले पानी की धारा प्रवेश करती है तो किसके संपर्क में आएगी? ओरल हुड के बक्कल सिराई के द्वारा। और वो बक्कल सिराई इस प्रकार से मूवमेंट करते हैं कि भोजन के बड़े पार्टिकल्स को अंदर प्रवेश नहीं करने देते हैं। इसका मतलब यहाँ जो वाटर करंट अंदर प्रवेश करती है उस वाटर करंट में वाटर के अलावा इसका फूड भी होता है और वो आता है सबसे पहले वेस्टिब्यूल में या उसकी मुख गुहा के अंदर। मुख गुहा के अंदर खूब सारे क्या पाए जाते हैं? फोल्ड्स पाए जाते हैं जिनको अपन व्हील ऑर्गन बोलते हैं। इन व्हील ऑर्गन के ऊपर सेंसरी पेपिला होती है जो पानी की रासायनिक जांच भी करने का काम करता है। उसके बाद में ये विलम के थ्रू और पानी प्रवेश करता है फेरिक्स में। तो जिसके एक छिद्र होता है यहाँ पर जिसका नाम अपन ने क्या बताया था? एंटेरोस्टोम। इस एंटेरोस्टोम के द्वारा पानी यहाँ पर प्रवेश करता है फेरिक्स में। और फेरिक्स में पानी प्रवेश करने के बाद में फेरिक्स के अंदर गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। उन गिल स्लिट्स के द्वारा जो पानी है वो फेरिक्स से बाहर आकर के ये क्या दिखा रखी है अपने? एट्रियल केविटी। इसकी देह गुहा मान लीजिए एट्रियल केविटी। तो पानी किस में आता है? इस एट्रियल केविटी के अंदर आता है और एट्रियल केविटी से आकर के एट्रियोपोर के द्वारा बाहर निकल जाता है। ये मैंने पानी का मार्ग बताया यहाँ पे। जो पानी यहाँ ओरल हुड से होकर के माउथ के द्वारा प्रवेश करके और वही ऑर्गन को क्रॉस करके एंटेरोस्टोम के द्वारा सीधा किस में पहुंचता है? फेरिक्स में। और पहले भी बताया था कि फेरिक्स है वो एट्रियल केविटी के द्वारा कम्युनिकेटेड होती है। तो यहां से एट्रियल की जो पानी है वो फेरिंग्स के गिल स्लिट्स से होकर के और एट्रियल केविटी में आता है और एट्रियल केविटी के थ्रू पानी है वो बाहर निकल जाता है। ये मैंने बताया केवल और केवल वाटर करंट से इसका। अब इसके बात रही भोजन की, डाइजेशन की। तो जब यहां से पानी प्रवेश करता है तो ये भोजन किस में चला गया? यहाँ पे फेरिक्स में। फेरिक्स में भोजन जाने के बाद में फेरिक्स के नीचे क्या है? एंडोस्टाइल है, ठीक है। इस एंडोस्टाइल के अंदर खूब सारी अपने चार ग्रूव बताई थी और पांच सीलिया की रो बताई थी। इनके मूवमेंट के द्वारा, और इसमें यहां पर म्यूकस भी होता है, इनके मूवमेंट के द्वारा भोजन के पार्टिकल्स क्या करेंगे? ऊपर की तरफ जाएंगे। ऊपर की तरफ जाकर के ये सबसे पहले यहां पर, यहां इस तरीके से देखिए ये एरो दिखा रखे, और इन एरो का मतलब है कि ये फूड पार्टिकल्स है वो ये यहां से इसोफेगस शुरू हो जाती है। अब ये जो इसोफेगस है इसमें से भोजन अभी यहां पर आता है इसोफेगस के अंदर। जब भोजन इसोफेगस के अंदर आता है, यहां से इसोफेगस के अंदर आता है और इसोफेगस से भोजन आकर के किस में आता है? मिड गट डाइवर्टिकुलम में। अब मिड गट डाइवर्टिकुलम के अंदर भोजन क्यों आएगा? क्योंकि अपन ने मिड गट का यहां पार्ट बताया था एक, देखो लेटरल सीलिएटेड ट्रैक्ट बताई थी। इसका इसके ऊपर सीलिया पाए जाते हैं और वो इस तरीके से मूवमेंट करते हैं कि भोजन आगे नहीं जाकर के पहले किस में जाता है? मिड गट डाइवर्टिकुलम में जाता है। तो यहां पर मिड गट डाइवर्टिकुलम के अंदर भोजन गया। अब मिड गट डाइवर्टिकुलम में क्या है? पाचक एंजाइम है, जाइमोजन सेल है, तीन प्रकार के एंजाइम सिक्रेट करती है। तो ये एमाइलेज क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा, प्रोटीन प्रोटीएज है वो प्रोटीन का पाचन करेगा और लाइपेज है वो लिपिड का पाचन करेगा। यद्यपि प्रोटीज में यहां पर पेप्सिन एंजाइम है वो अब्सेंट होता है। यहां पर भोजन का पाचन होने के बाद एक तो एंजाइम के द्वारा पाचन हो गया, दूसरा क्या होता है कि इससे ये तो हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर पाचन, बाह्य कोशिकीय पाचन। अब इसको इसकी जो एपिथेलियम है किसकी? मिड गट डाइवर्टिकुलम की। मिड गट डाइवर्टिकुलम की जो एपिथेलियम है उसमें कुछ फेगोसाइटिक सेल्स पाई जाती है जो कि यहां पर भोजन को अपने अंदर लेती है और उसका डाइजेशन करती है। इसका मतलब यहां पर इंट्रा सेलुलर डाइजेशन भी पाया जाता है। तो इस मिडगट डाइवर्टिकुलम के अंदर भोजन का पाचन होने के बाद में यह भोजन वापस आता है किसमें? मिडगट में। यहां से भोजन किसमें है? मिडगट में। और मिडगट में आप मैंने बताया कि मिडगट के अंदर ग्लेड सेल्स पाई जाती है, वो भी कुछ है वो एंजाइम स्रावित करती है। तो यहां से वो भोजन किस में आएगा? मिडगट में। और मिडगट की वाल भी कुछ है वो एंजाइम स्रावित करती है और वो एंजाइम है वो भोजन का पाचन करते हैं और भोजन आगे की तरफ निकलता है। जब भोजन यहां पे आता है मिडगट के बाद में, तो मिडगट में आपने मिडगट और हाइंडगट के बीच में क्या बताए थे अपन ने? खूब सारे इलियोकोलिक रिंग बताई थी।
ये इलियोकोलिक रिंग शो कर रखी है अपन ने, तो जब भोजन यहां पर आएगा तो इन इलियोकोलिक रिंग के द्वारा भोजन को मथा जाता है, जिससे भोजन के छोटे टुकड़े हो जाते हैं और छोटे टुकड़ों के ऊपर फिर ये जो एंजाइम, जो अवशेष एंजाइम बच गए वो उसके ऊपर और क्रिया करते रहते हैं और भोजन का पाचन होता रहता है। इसके बाद में यहाँ पर जो मिड गट का पोर्शन है और हाइंड गट का पोर्शन है उसमें मैक्सिमम वाटर का अब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो यहाँ पर वाटर का अब्जॉर्प्शन हो गया और उसके बाद में भोजन आता है रेक्टम में, यहाँ पर फिर थोड़ा बहुत पानी है उसका और अब्सॉर्प्शन होता है, उसके बाद में जो फीकल मैटर है वो एनस के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। दूसरी चीज, जब भोजन यहां आता है फेरिक्स में और फेरिक्स में आने के बाद में पानी तो एट्रियल कैविटी के द्वारा बाहर निकल गया, तो भोजन के पार्टिकल्स है वो ऊपर की तरफ फेंके जाते हैं, ये इसोफेगस में आकर के ये मार्ग उसका होता है। लेकिन बड़े भोजन के कण है वो नीचे एट्रियल कैविटी के अंदर है वो जमा हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। तो यहां पर ये एंडोसाइल बताइए अपन ने, तो जो बड़े भोजन के पार्टिकल्स है वो बड़े भोजन के पार्टिकल्स किसके संपर्क में आएंगे, इस पेरिफेरेंजियल बैंड के संपर्क में आएंगे और वो पेरिफेरेंजियल बैंड के अंदर जो सीलिया होते हैं वो मूवमेंट करते हैं तो भोजन को ऊपर की तरफ पहुंचाते हैं। तो अपन ने जो ये एरो दिखाया है, ये एरो क्या शो करते हैं कि जो बड़े भोजन के पार्टिकल्स है जो फेरिक्स में नीचे जम गए वो भोजन के पार्टिकल्स यहां से पेरिफेरेंजियल बैंड के द्वारा ऊपर उठा करके इसोफेगस में डाले जाते हैं और सामान्य जो छोटे पार्टिकल्स है वो अपन ने ये एरो दिखा रखे हैं, तो छोटे पार्टिकल्स तो सीधे ऊपर चले जाते हैं और बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ पर पेरिफेरेंजियल बैंड जो होता है उसके अंदर के जो सीलिया होते हैं उनमें मूवमेंट होने की वजह से और वो यहाँ पर आकर के इसोफेगस में आते हैं। तो ये एक थोड़ा सा टिपिकल संरचना है जो कि समझना आवश्यक था। तो यहां पर ये इसोफेगस में आ गया और इसोफेगस में आने के बाद में यहां पर क्या है, लेटरल सीलिएटेड ट्रैक्ट होती है जिसके सीलिया इस तरीके से मूवमेंट करते हैं कि भोजन को सीधा आगे नहीं भेज करके पहले किस में भेजते हैं, बक्कल डाइवर्टिकुलम में या मिडगट डाइवर्टिकुलम में, और इस मिडगट डाइवर्टिकुलम में अपने आप बताया एंजाइम और वो भोजन का पाचन करते हैं, यहां से होकर के भोजन है वापस यहां पर इलियोकोलिक रिंग के संपर्क में आता है और यहाँ पर मैक्सिमम डाइजेशन जो बच गया फूड का डाइजेशन बच गया वो यहाँ पर डाइजेशन होता है और उसके बाद में अब्सॉर्प्शन होता है और बाकी जो अपचित भोजन है फीकल मैटर है वो एनस के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। कई बार क्या होता है एट्रियल कैविटी जो है, ये जो अपन ने एट्रियल कैविटी दिखा रखी है इसके अंदर भी पेपिली पाई जाती है और उन पेपिली के अंदर भी क्या होता है फेगोसाइटिक सेल्स होती है, तो यहां पर भी अगर भोजन के पार्टिकल एट्रियल कैविटी में पहुंच गए वो एट्रियल कैविटी क्या करती है उन भोजन का पार्टिकल्स है, भोजन के जो पार्टिकल्स है उनका डाइजेशन का काम करती है फेगोसाइटोसिस विधि के द्वारा। इस प्रकार इसके अंदर ये डाइजेशन की क्रिया है। यदि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप मेरे चैनल के ऊपर जाकर के वहां पर कोई भी क्वेरी हो आपकी तो उसको आप पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपकी जो क्वेरी है उसको बिल्कुल कंप्लीट पूरा किया जाएगा, पूरा अच्छी तरीके से बताया जाएगा। इसलिए आप मेरे जो वीडियो है उनको आप कंटिन्यू देखिए, अगर आप कंटिन्यू देखेंगे तो ही आगे वाला सिस्टम समझ में आएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि अन्य बच्चों को है वो फायदा मिल सके। थैंक यू।